विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा आयोजित 15 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग परिक्षेत्र गोरखपुर के सहायक आयुक्त राम बड़ाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने हैंडलूम प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि प्रदर्शनी से स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा तथा बुनकर अपने उत्पादों की बिक्री कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक आयुक्त हथकरघा राम बड़ाई और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, बिल्कुल निःशुल्क है। 21 फरवरी 2021 तक लगा रहेगा। की बातें सुनिए आज की नई खुशखबरी। आपके शहर गोरखपुर में पहली बार इस स्पेशल अखबार की चादरों का विस्तार संग्रह मौजूद है। प्रदर्शनी में प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। 2021 लगाया जा रहा है। दिनांक है 8। बनारसी सिल्क, उसके बारे में बनारसी सिल्क में कागज ये कपड़ा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वो चटकती नहीं हो जो खुला होता है जी जी ये सर ये कटती नहीं हो जो खुला रहता है तो प्योर से जो होता है वो कीड़े का बनता है तो वो अंदर अंदर चढ़ जाता है। उसको हर 6 महीने में भूत दिखाते रहेंगे वहीं से सही कर जाता है। बड़ा कैटल मेरा रोटा है, उसे रखे रहो तो कितनी बच्चे निकलता है अंडा वो रखे रहो। ये प्रदर्शनी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। ये शासन द्वारा प्रस्ताव भेजने के उपरांत ये माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में बुनकरों के कल्याण के लिए, उनके रोजगारी को दूर करने के लिए माल इनके पास जो स्टॉक रखा हुआ है उसको आम जनमानस तक बिचौलियों को समाप्त करते हुए उचित मूल्य पर बिक्री करने के लिए एक इस प्रदर्शनी की स्वीकृति दी गई है। यह प्रदर्शनी 11 जनपदों से आए हुए प्रतिभागियों द्वारा ये लगाई जा रही है और इसमें अलीगढ़, मुबारकपुर, मऊ, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर, मल्लामा आदि जनपदों से अपने बेहतर उत्पाद को ला करके इस आम जनमानस के बीच में रखा गया है। आशा है कि यहाँ की जनता इसे पसंद करेगी और इनके बेरोजगारी में काफ़ी ये चीज़ मददगार साबित होगी। जय हिंद। ये प्रदर्शनी 8 से लेकर के 21 फरवरी तक ये चलेगी। 21 को इसका समापन होना है और मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो उत्साह वर्धन किया गया है इससे आम जनमानस को लाभ होगा, हमारे बुनकरों को लाभ होगा और इनके बुनकान बिक्री के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसकी ज़रूरत प्रत्येक साल हर क्षेत्रों में है रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। जय विभाग के द्वारा और यहां पर 35 स्टॉल 8 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक 35 जनपदों से ये स्टॉल के कारीगर आए हैं और इन लोगों ने हथकरघा के बेहतरीन उत्पाद और इतने अट्रैक्टिव कलर में बनाए हैं जो जनता को आकर्षित करेंगे। हम लोग की तरफ से बस यही अनुरोध है गोरखपुर की जनता से कि अपने देश के कारीगर और उनके बनाए हुए उत्पाद जो रंगों में भी और क्वालिटी में बेहतरीन हैं उनका प्रयोग करें, उनको खरीद करके हमारे ही देश के कारीगरों को उत्साहवर्धित करें और उनके इकोनॉमिक आर्थिक स्तर को उठाने का कष्ट करें।